हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल शिफास किचन। तो आज हम बनाए जा रहे हैं बैदा रोटी। इसलिए हमें चाहिए 250 ग्राम कीमा, 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट। फिर हमें चाहिए नमक स्वाद अनुसार, आधा टी स्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टी स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टी स्पून साबुत जीरा, 1 छोटी प्याज कटी हुई, थोड़ा सी हरा धनिया कटा हुआ और 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। और हमें चाहिए होंगे 3 अंडे। डो बनाने के लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 1 बड़ा चम्मच या 1 टेबल स्पून ऑयल या तेल, नमक स्वाद अनुसार और पानी आटा गूंदने के लिए। सबसे पहले हम मैदे में नमक और तेल डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और एक थोड़ा नरम आटा गूंद लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं आटा गूंद कर रेडी है और ये बहुत ही ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा सॉफ्ट है, सेमी सॉफ्ट है। इसे अब हम एक गीले मलमल के कपड़े से कवर करके ढककर 3 से 2 घंटा रख देंगे कि ये थोड़ा खिंचाव आ सके आटे में। अब एक कढ़ाई में हम तेल लेंगे, उसमें हम डालेंगे साबुत जीरा, फिर हम अब इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। अच्छे से मिक्स कर ले और ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाने तक इसे पकाना है अभी हमें। अभी हम इसमें डालेंगे नमक, काली मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। यहाँ पर आप कटी हुई बारीक चॉप ग्रीन चिलीज भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे कीमा, ऐसे अच्छी तरह से कवर करके पकाएंगे जब तक इसका जो पानी है वो सूख ना जाए, यानी कि ये ड्राई हो जाए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए और इसे 10 to 15 मिनट्स पकाए। आप देख सकते हैं मेरा खीमा बिल्कुल ड्राई हो चुका है। मैंने इसे एक बाउल में निकाल लिया, ठंडा कर लिया। अब हम इसमें डालेंगे चाट मसाला और कटा हुआ धनिया और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा बैदा रोटी का फिलिंग तैयार है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर अब हम 3 अंडे लेंगे, उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च। यहाँ पे आप लाल मिर्च डालना चाहे तो डालें, ना डालना चाहे तो बिल्कुल ना डालें। अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम वो आटे की एक छोटी सी पेड़े जैसा बनाएंगे, उससे अच्छे से बहुत पतला बेलेंगे, वरना वो अंडा जो है वो पक नहीं पाएगा। इससे हम अब एक फ्राइंग पैन पर रखेंगे, उस पर हम डालेंगे कीमा, हमारा एग का जो मिक्सचर है वो डालेंगे, फिर हम थोड़ी कटी हुई प्याज डालेंगे और उसके साथ हम डालेंगे चाट मसाला पाउडर। इसे अच्छे से फोल्ड करके कुक कीजिए। इसे मीडियम फ्लेम पे कुक करना है, मीडियम फ्लेम। आप देख सकते हैं हमारा बैदा रोटी बिल्कुल तैयार है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप मेरी कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक पर टैग करना ना भूलें कि मैं देख पाऊँ आपने मेरी रेसिपी ट्राई की है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें कि जब भी मैं न्यू रेसिपीज़ अपलोड करूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए।